भारतीय हमको मार देता है, हमारे तो एम्पल का एमएस खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ से जैसे ही गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं तो पीछे हमारे लग जाती है डासिया। तो हमको ये बात पता नहीं होती है कि उनमें से एक बंदा हैकर है, हम तो अब तक नॉर्मल बंदा समझ के खेल रहे होते हैं। फिर यहाँ पे गाड़ी वगैरह रुकाते हैं और इसको बोल देते कि रुको अभी नेट वगैरह करेंगे और थोड़ा दिमाग लगा के इनको मारेंगे। अब जो हमारे सामने था हमको पता नहीं था कि वो हैकर है, एकदम नॉर्मली हम खेल रहे थे थोड़ा दिमाग वगैरह लगा के। फिर हम बोलते हैं 3 नंबर तुम रश मत करना, थोड़ा वेट करो। तो हम चारों तरफ बॉम्ब वगैरह फेंकते हैं तो इनके फुटस्टेप्स वगैरह भी आ रहे थे। देखना कितना नूब हैकर होता है ये, इतना नूब हैकर रहता है। सिर्फ इसके पास शायद से मेरे ना, इसके पास सिर्फ स्पीड हैक रहता है और कुछ नहीं, हिम तो लगता नहीं है इसका। तो फिर जैसे 3 नंबर जाता है वहाँ पे पुश करता है तो देखते तो 3 नंबर को ठेल दिया। तो 3 नंबर को जैसे ही ठेलता हम यहाँ पे रुक के देखने लगते हैं। तो उसको जैसे पिक करेगा उसको मारेंगे, पिक करता है और पिक करके थोड़ा तेज़ी से अंदर घुस जाता है। तो हमको अभी भी शक नहीं हुआ होता है, हमको अभी भी लग रहा होता है नॉर्मल प्लेयर है। फिर हमारे हाथ से गलती से नेट छूट जाता है और हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर इसको मारने का कोशिश करते तो हमको समझते नहीं है बंदा कहाँ गया। फिर देखते फिर मारते इसको, फिर अभी भी हमको समझ जाना। फिर देखते कर रहे भाई इतना तेज भाग लिया, फिर मारते हमको मार देता है, हमारे तो एम्पल का एमोस ख़त्म हो जाता है। जैसे निकालते हैं एम्स एम्स को तब तक हमको ठेल देता है। और फिर देखते तो कहाँ हवा में गोली मार रहा होता है, इसके पास स्पीड हैक रहता है। और एक एक तो इसको हम रिपोर्ट करना भी भूल गए। फिर ये हमको भी मार देता है। तो फिर हम बोलते हैं अपने दूसरे टीममेट को कि तुम भी मर जाओ यार, ये हैकर है। फिर 2 नंबर भी यहाँ से कूद जाते हैं, 2 नंबर भी ऊपर से कूद के अपनी जान दे देते हैं। गेम ख़त्म होता है, हम स्पेक्ट ओपोनेंट करते हैं। फिर हम इसको देख रहे होते हैं, देखो अभी इसका नाम और आईडी देख लेना एक बार, देखे 17 की KD है भाई की, 17.5 की, और 3 मैच ही खेले हुए हैं, क्या कर सकते हैं यार। जैसे नूब नूब हैकर अभी आ जाते हैं यार। Enemies ahead. तो फिर जान लो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक गेम प्ले दिखा देता हूँ।